राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 12। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 12। इसराइल से राज्य का दो भाग हो जाना। रहुबियाम तो शकेम को गया, क्योंकि सब इसराइली उसको राजा बनाने के लिए वही गए थे। और जब नबात के पुत्र यरोबाम ने यह सुना, जो अब तक मिस्र में रहता था, क्योंकि यरोबाम सुलेमान राजा के डर के मारे भागकर मिस्र में रहता था, सो उन लोगों ने उसको बुलवा भेजा। तब यरोबाम और इसराइल की समस्त सभा रहुबियाम के पास जाकर यो कहने लगी कि तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, तो अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने कहा, अभी तो जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। तब वे चले गए। तब राजा रहुबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, सम्मति ली कि इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो। उन्होंने उसको यह उत्तर दिया कि यदि तू अपनी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। रहुबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सन्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो। उन्होंने तो मुझसे कहा है कि जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया कि उन लोगों ने तुझसे कहा है कि तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यो कहना कि मेरी छिंगुलिया मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यारोबाम और समस्त प्रजागण रहुबियाम के पास उपस्थित हुए। तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की और बूढ़ों की दी सम्मति हुई छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा कि मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको ताड़ना दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। सो राजा ने प्रजा की बात नहीं मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शिलोवासी अहिय्याह के द्वारा नबात के पुत्र यारोबाम से कहा था उनको पूरा करने के लिए उसने ऐसा ही ठहराया था। जब सब इसराइल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले कि दाऊद के साथ हमारा क्या अंश, हमारा जो ईशे के पुत्र में कोई भाग नहीं। हे इसराइल, अपने अपने डेरे को चले जाओ, अब हे दाऊद अपने ही घराने की चिंता कर। सो इसराइल अपने अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इसराइली यहूदी के नगर में से बसे हुए थे उन पर रहुबियाम राज्य करता रहा। तब राजा रहुबियाम ने अदोराम को, जो सब बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया और सब इसराइलियों ने उसको पत्थरवाह किया और वह मर गया। तब रहुबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया और इसराइल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। यह सुनकर कि यरोबाम लौट आया है, समस्त इसराइल ने उसको मंडली में बुलवा भेजकर पूर्ण इसराइल के ऊपर राजा नियुक्त किया और यहूदा के गोत्र को छोड़कर दाऊद के घराने से कोई मिला न रहा। जब रहुबियाम यरूशलेम को आया, तब उसने यहूदा के संपूर्ण घराने को
और बिन्यामिन के गोत्र को जो मिलकर 180,000 अच्छे योद्धा थे इकट्ठा किया कि वे इसराइल के घराने के साथ लड़कर सुलेमान के पुत्र रहुबियाम के वश में फिर राज्य कर दे। तब परमेश्वर का यह वचन परमेश्वर के जन शमायाह के पास पहुंचा कि यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र रहुबियाम से कह और यहूदा और बिन्यामिन के सब घराने से और सब लोगों से यह कह, यहोवा यो कहता है कि अपने भाई इसराइलियों पर चढ़ाई करके युद्ध न करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा का यह वचन मानकर उन्होंने उसके अनुसार लौट जाने को अपना अपना मार्ग लिया। तब यरोबाम एफ्रेम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा, फिर वहां से निकलकर पनुएल को भी दृढ़ किया। तब यरोबाम सोचने लगा कि अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा, यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए तो उसका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहुबियाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहुबियाम के हो जाएंगे। तो राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनवाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, इसलिए हे इसराइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। तो उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया और यह बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उस एक के सामने दंडवत करके दान तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी न थे याजक ठहराए। फिर यारोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहराया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इस रीति उसने बेतल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों में याजकों को बेतल में ठहरा दिया। और जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी अर्थात 8वें महीने के 15वें दिन को वह बेतेल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया। उसने इसराइलियों के लिए एक पर्व ठहरा दिया और धूप जलाने को वेदी के पास चढ़ गया।